हाई फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल अक और नॉलेज फ्रेंड्स इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ फेजेस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस सो नर्सिंग प्रोसेस में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था नर्सिंग असमेंट के बारे में बट इस वीडियो में जानेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स नर्सिंग डायग्नोसिस और फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो नर्सिंग असेसमेंट के बारे में जाना था अगर आपने नर्सिंग असेसमेंट का वीडियो ना देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी आप वहाँ से क्लिक करके नर्सिंग uh, असेसमेंट को देखने के बाद आप नर्सिंग डायग्नोसिस को देखेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे सो नर्सिंग डायग्नोसिस फेज को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है नर्सिंग डायग्नोसिस सेकेंड स्टेप होता है नर्सिंग प्रोसेस का मीन्स हमें नर्सिंग असमेंट स्टेप को कम्प्लीट करने के बाद नर्सिंग डायग्नोसिस पे स्टेप को फॉलो करना होता है नर्सिंग असमेंट स्टेप को कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड्स डेफिनेशन देख लेते हैं डेफिनेशन में है ये क्लिनिकल जजमेंट होता है इंडिविजुअल का फैमिली का एंड कम्युनिटी का इसमें क्या होता है असेसमेंट करने के बाद इंडिविजुअल को फैमिली को कम्युनिटी को प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है एंड बाद में एक एक प्रॉब्लम की केयर देनी होती है एंड देन हमें इसका रिजल्ट देखना होता है केयर देने के बाद रिजल्ट क्या रहा है तो ये नर्सिंग डायग्नोसिस अब हम लोग जान लेते हैं पर, पर्पज ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस नर्सिंग डायग्नोसिस क्यों करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस का उद्देश्य क्या होता है एंड ये नर्सिंग डायग्नोसिस क्यों किया जाता है सो फर्स्ट इज टू अनालाइज कलेक्टेड डिटामिन डेटा को कलेक्ट करने कलेक्टेड uh, डेटा को एनालाइज करने के लिए नर्सिंग डायग्नोसिस करते हैं सेकेंड इज़ टू आइडेंटिफाई क्लाइंट नॉर्मल फंक्शनल लेवल मीन्स जो क्लाइंट होता है वो नॉर्मल फंक्शनल लेवल का स्टेटमेंट का आइडेंटिफाई करने के लिए नर्सिंग डायग्नोसिस करते हैं थर्ड इज टू आइडेंटिफाई क्लाइंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्लाइंट की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए नर्सिंग डायग्नोसिस किया जाता है एंड नर्सेस के फ्रेंड्स कुछ राइट्स होते हैं पेशेंट को केयर देने के लिए जो कि नर्सेस को नर्सेस की राइट्स काइंड को केयर देने में हेल्प करते हैं सो टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस देखते हैं आज देर आर फोर टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस नर्सिंग डायग्नोसिस के जो टाइप्स होते हैं फोर प्रकार के होते हैं एक्चुअल डायग्नोसिस वेलनेस डायग्नोसिस सिंड्रोम डायग्नोसिस एंड हाई रिस्क डायग्नोसिस सो इनके बारे में हम लोग डिस्क्रिप्शन में जानेंगे सभी के बारे में डिस्क्रिप्शन में जानेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअल डायग्नोसिस फ्रेंड्स जो एक्चुअल डायग्नोसिस होता है ये क्या होता है एक्चुअल डायग्नोसिस रिप्रेजेंट अ प्रॉब्लम एक्चुअल डायग्नोसिस जो होता है वो प्रॉब्लम hmm. को रिप्रेजेंट करता है इसमें डिफाइनिंग मैनी डिफाइनिंग करेक्ट्रिस्टिक्स यानी विशेषताएं होती हैं Uh, जो एक्चुअल डायग्नोसिस होता है फ्रेंड्स साइन एंड सिम्टम्स के प्रेजेंस के बेस पे uh, किया जाता है मीन्स प्रॉब्लम है क्या कौन सी मतलब रीज़न क्या है मीन्स प्रॉब्लम uh, का रीज़न क्या है साइन सिम्टम्स क्या है इनके प्रेजेंस के बेस पे एक्चुअल डायग्नोसिस किया जाता है सो हाई रिस्क डायग्नोसिस नेक्स्ट देते हैं हाई रिस्क डायग्नोसिस सो फ्रेंड्स जो हाई रिस्क डायग्नोसिस होता है मीन्स ये क्लाइंट uh, का मीन्स एक प्रॉब्लम है एक प्रॉब्लम की वजह से जो अदर प्रॉब्लम डेवलप होती हैं तो उनको देखना होता है उनके रिस्क फैक्टर्स को देखना होता है एंड सच एस जो हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से जो हाई रिस्क होते हैं उनको देखना होता है नेक्स्ट इज़ वेलनेस डायग्नोसिस तो वेलनेस डायग्नोसिस में क्या होता है फ्रेंड्स ये क्लिनिकल जजमेंट होता है अबाउट अ इंडिविजुअल फैमिली एंड कम्युनिटी वेलनेस डायग्नोसिस जो है इट इज़ अ क्लिनिकल जजमेंट ये क्लिनिकल जजमेंट होता है इंडिविजुअल का फैमिली का एंड कम्युनिटी का इसमें क्या होता है फ्रेंड्स इसमें स्पेसिफिक लेवल ऑफ वेलनेस दी जाती है यानी कि एक विशेष प्रकार की केयर दी जाती है एंड एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं फ्रेंड्स जैसे कि ट्वेंस होते हैं तो ट्वेंस में हमें वैसे तो हमें वन चाइल्ड का केयर करना होता है बट अगर ट्वेंस हुआ है तो हमें ट्विंस दोनों चाइल्ड का केयर करना होता है तो इस टाइप से समझ सकते हैं बेलनेस डायग्नोसिस को सिंड्रोम डायग्नोसिस फ्रेंड्स सिंड्रोम डायग्नोसिस क्या होता है क्लस्टर ऑफ एक्चुअल और हाई रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस दैट आर प्रडिक्टेड टू बी प्रजेंट बिकॉज ऑफ सर्टन इवेंट और सिचुएशन मीन्स एक पेशेंट को रिस्क फैक्टर की वजह से और कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हैं तो उस टाइम जो हम लोग डायग्नोसिस करते हैं दैट इज़ कल्ड सिंड्रोम डायग्नोसिस नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स डिफरेंस बिटवीन मेडिकल एंड नर्सिंग डायग्नोसिस मींस मेडिकल डायग्नोसिस में एंड नर्सिंग डायग्नोसिस में डिफरेंस क्या होता है सो मेडिकल डायग्नोसिस फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकल डायग्नोसिस देखते हैं सो इट फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग डिजीज दीज डायग्नोसिस आर ट्रीटेबल बाय पोजिशनर विद इन द स्कोप ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस फ्रेंड्स जो मेडिकल डायग्नोसिस uh, होता है ये डॉक्टर जो भी फिजिशियन होते हैं फिजिशियन के द्वारा डायग्नोसिस किया जाता है एंड फिजिशियन के द्वारा ही केयर दी जाए मेडिशन्स uh, देते हैं एंड उनके द्वारा केयर दी जाती है नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या होता है फ्रेंड्स? नर्सिंग डायग्नोसिस को देखते हैं इट फोकस ऑन आइडेंटिफाई ह्यूमन रिस्पॉन्स टू डिसीज इट मे चेंज फ्रॉम डे टू डे ह्यूमन रिस्पॉन्स टू चेंज इन दीज डायग्नोसिस आर्टिट्रेबल ट्रीटेबल बाई नर्सिस विद इन द स्कोप ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस फ्रेंड्स नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या होता है इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस में पैसेंट पैसेंट में की बीमारी की वजह से पैसेंट को केयर देते हैं जो भी प्रॉब्लम होती है उनकी केयर देते हैं एंड ये नर्सिंग डायग्नोसिस में जो केयर देती हैं वो नर्सिस के द्वारा दी जाती है एंड मेडिकल डायग्नोसिस में फिजिशन के द्वारा डायग्नोसिस होता है एंड फिजिशियन के द्वारा मेडिसिन देते हैं जो भी प्रॉब्लम होती है सो फ्रेंड्स आई होप आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा सो थैंक यू फॉर वॉचिंग